गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के पलामू जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान भदई घास की तरह प्रत्याशी उगाते हैं, उनसे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव के मद्देनजर भाजपा के संभावित उम्मीदवारों का संकेत पूछे जाने पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार करते हुए कहा कि भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की फौज है, समय आने पर जो भी कार्यकर्ता चुना जाएगा वह निश्चित रूप से विजयी होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के नरेंद्र पांडे का यह वक्तव्य आपने सुन लिया। स्पष्ट है कि भाजपा के संभावित उम्मीदवार का कोई संकेत अभी नहीं मिल पा रहा है, लगता है भाजपा देर से अपना पत्ता खोलेगी। मेदिनीनगर से संजीत की विशेष रिपोर्ट। बने रहिए तलाश टीवी के यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहिए ताजा एवं निष्पक्ष चुनावी खबरें। नगर निगम चुनाव तो अनवरत चलते रहता है, उसी का एक कड़ी नगर निगम चुनाव है, तो हमारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए बहुत इजी गोइंग में चुनाव लेते हैं। चुनाव के लिए हम बराबर तत्पर रहते हैं। अन्य दल के लोग हैं कि उनको चुनाव के समय केवल ये भदिया घास समझ रहे हैं ना, जो भादों में पैदा होता है वो भदिया घास की तरह उग रहे हैं और हम बारह महीना तत्पर रहते हैं। और चुनाव महानगर का होना है, उसमें मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, वार्ड का चुनाव होना है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है। कोई भी कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा, अपने कार्यकर्ता के बीच से चुनाव लड़ेगा और निश्चित रूप से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पूरे नगर में हम वार्ड सहित जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, परचम लहराएगी। अभी इसका नहीं रखा गया है, अभी तो चुनाव का घोषणा ही नहीं हुआ है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं। अभी चुनाव होता है, मन मतलब संभावित प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी कह तो रहे, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है। कोई भी कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा, जिसको आम कार्यकर्ता तय करेगा चुनाव लड़ेगा, वो हमारा प्रत्याशी होगा। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।